ने ग्रास रूट पर जनता की समस्याओं को समझते हुए काम नहीं किया और जनता को अपनी सोच के हिसाब से फैसिलिटेट करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको आगे जरूर देखने को मिलेगा। देने वाले वोटर्स थे, वो वोटर्स वहाँ तक पहुँच पाए बूथ तक कि नहीं पहुँचे? मेरे ख्याल से ये भी एक फैक्टर रहा कि बहुत भीषण गर्मी में जो इलेक्शन हुई, किसके लिए तो फैक्टर रहा? ये मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि पोल परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा? मुझे लगता है इसके लिए कुछ हद तक मौसम जरूर जिम्मेदार है और लोगों में वोटिंग को लेकर के। मौसम तो कभी भी बिगड़ सकता है, ठंड में ठंड रहेगी, गर्मी में गर्मी रहेगी। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से लोग वोट के लिए बहुत ज़्यादा, वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है और लोगों को भी इस विषय में सोचना पड़ेगा कि मत। तो फिर लोगों को गवर्नमेंट किसकी बन रही, इससे भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वोट दे रहे हैं वो तो जागरूक है ना, तो इसका परसेंटेज जब तक, मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं है? नहीं, ये मानता हूँ क्योंकि लोगों में उतनी मैच्योरिटी नहीं है। लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारा वोट केवल अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी है और अगर कोई गलत व्यक्ति चुनकर आ गया तो निश्चित रूप से हमको जो उसका नुकसान हो तो